नमस्कार स्टूडेंट्स एंड देयर पेरेंट्स, सभी स्टूडेंट्स और उनके अभिभावकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं राकेश कुमार और मैं इस बार मैट्रिक्स ओलंपियाड की डिटेल इन्फॉर्मेशन लेकर आपके सामने यह वीडियो लेकर आया हूं। मैट्रिक्स ओलंपियाड 2022-21 की तुलना में और भी बड़े रूप में और ज़्यादा केस प्राइजेस के साथ और ज़्यादा स्कॉलरशिप के साथ लॉन्च किया जा रहा है। देखा जाए तो लास्ट ईयर 45,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने इस ओलंपियाड में हिस्सा लिया। यह एग्ज़ाम ऑल इंडिया लेवल पर होती है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं व्हाट इज मैट्रिक्स ओलंपियाड से। यह एग्ज़ाम आखिर है क्या? मैट्रिक्स ओलंपियाड एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसके जरिए बच्चा अपने कंपटीशन की पढ़ाई का महत्व समझ पाता है और इसके जरिए बच्चे को अपनी काबिलियत को निहारने का मौका भी मिलता है और उसे बहुत सारे केस प्राइज एंड फॉरेन टूर का मौका भी मिलता है। स्कॉलरशिप्स, केस प्राइजेस एंड फॉरेन ट्रिप इस एग्ज़ाम के जरिए, जैसा कि मैंने कहा, बच्चों को मैट्रिक्स इंस्टीट्यूट, चाहे वो JEE हो, नीट हो, स्कूल हो, इन सभी में 100% तक की स्कॉलरशिप मिल सकती है। इस एग्ज़ाम के जरिए मैट्रिक्स 31 करोड़ की वर्थ स्कॉलरशिप बच्चों को देने वाले हैं और 11 लाख के केस प्राइजेस देने वाले हैं। और इसके अलावा सभी क्लास के जो ओवरऑल विनर्स होंगे, ओवरऑल टॉपर्स होंगे, उन सभी को लंदन, पेरिस और सिंगापुर में से एक सिटी का ट्रिप करवाया जाएगा। वो वीज़ा अवेलेबिलिटी के हिसाब से होगा। अब आते हैं अगले सवाल पे कि इस एग्ज़ाम एलिजिबिलिटी क्या है, कौन पार्टिसिपेट कर सकता है और आपको यह एग्ज़ाम क्यों देनी चाहिए। एलिजिबिलिटी के लिए तो क्लास 5th से 12th के स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, लेकिन 5th से 9th के स्टूडेंट के लिए जो टेस्ट पेपर आएगा वो सिर्फ इंग्लिश मीडियम का पेपर आएगा और 10th, 11th एंड 12th का जो पेपर आएगा वो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में होगा। इस बात का जरूर ध्यान रखें। इस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा और सिलेबस क्या होगा? एग्ज़ाम का ओवरऑल पैटर्न यह होगा कि यह एग्ज़ाम 2 स्टेज में होगी। स्टेज 1 UP, पंजाब एंड हरियाणा, जो होगी 8 अक्टूबर 2023 को, एंड फिर राजस्थान में 3 लेवल में होगी। लेवल 1 होगा 15 अक्टूबर 2023 को, एंड लेवल 2 होगा 22 अक्टूबर को, एंड लेवल 3 29 अक्टूबर को होगा, और फिर स्टेज 2 होगा जो स्टेज 1 का रिजल्ट आने के बाद होगा। इसके लिए आपको मैसेज के द्वारा आपके फ़ोन पर इंफॉर्मेशन भेज दी जाएगी। दोनों ही स्टेज OMR पर आधारित होगी, यानी कि पेन एंड पेपर की सहायता से ये एग्ज़ाम होगी, ऑनलाइन नहीं होगी, ये फुल्ली ऑफलाइन एग्ज़ाम होगी। और अब बात करते हैं कि सिलेबस क्या होगा। तो क्लास 5th से 10th के बच्चों के लिए सिलेबस होगा वो है साइंस, मैथ्स और फिजिकल रीजनिंग एंड IQ। और 11th एंड 12th के स्टूडेंट्स का सिलेबस होगा फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स या बायोलॉजी, 3 सब्जेक्ट होंगे। जिसने मैथ्स लिया हुआ है उसके बायो नहीं होगा, और जिसने बायो चूज किया है उसके मैथ्स नहीं होगा और IQ रीजनिंग होगा। इसके लिए डिटेल्ड सिलेबस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां जाकर चेक कर सकते हैं। एग्जाम के लिए अप्लाई या रजिस्ट्रेशन कैसे करें? इस एग्जाम के लिए अप्लाई करने के लिए आपको मैट्रिक्स ओलंपियाड की वेबसाइट पर जाना होगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप गूगल पर जाकर भी सर्च कर सकते हैं और वहां से भी अप्लाई कर सकते हैं। और फिर वहां आपको दिखेगा रजिस्ट्रेशन नाउ, उस पर क्लिक करें और उसके बाद आपको जो बेसिक डिटेल्स हैं, जैसे आपका नाम, पिता का नाम, एग्जाम सिटी एंड क्लास, वो उसमें फिल करें एंड सेव नेक्स्ट करें और OTP लगाकर वेरीफाई करें। इस एग्ज़ाम की कोई रजिस्ट्रेशन फ़ी नहीं है, यह एग्ज़ाम निःशुल्क है। तो अभी जाइए और अप्लाई करें, और यदि कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट कर बता सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। तब तक के लिए थैंक्स।